आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अलीशा चंद्राकर एंड वेलकम बैक टू पंजाब केसरी। कैसे हैं आप सब? कितने एक्साइटेड है मिर्जापुर के लिए? जितने आप दिख रहे हैं इस वक्त। बहुत हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि दो साल एक तो वेट कराया आपसे। इस बारे में जानना चाहूँगी मैं, गुरमीत जी, क्यों वेट कराया हमें इतना? दो मेन रीज़न है। एक तो ऑफकोर्स पैंडेमिक आया, तो उसके वजह से डेढ़ पौने दो साल एक्स्ट्रा लग गए। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राइटिंग में हमें वक्त लगता है हर सीज़न में, तो सीज़न वन और सीज़न टू में भी दो साल का गैप था, क्योंकि मिर्ज़ापुर किसी कहानी पे बेस नहीं है, किसी नॉवल या बुक पे बेस नहीं है, तो उसकी हमेशा जो राइटिंग है वो फ्रेश सिरे से लिखी जाती, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है हमें। तो आई थिंक ये दो रीज़न्स की वजह से जो टाइम लगा है वो लगा है। ओके, आपसे जानना चाहूँगी पंकज जी, कि कालीन भैया के किरदार को निभाने के लिए पंकज त्रिपाठी कौन से रियल लाइफ गैंगस्टर को देखते हैं या पढ़ते हैं कि एक गैंगस्टर वाला यू नो वो आ सके? नहीं, मैं किसी को नहीं देखता हूँ, पूरी तरह से इमेजिनेशन पे बेस्ड है, कल्पना पे। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का किरदार है उस तरीके का वो काल्पनिक ही दिखता है। उतना ठंडा, शांत, इत्मीनान वाला कहाँ डॉन वॉन दिखेगा, सॉफ्ट स्पोकन मेरी तरह ही, तो फिर भी पूरी तरह काल्पनिक है। मुझे देखो, हम बनाया हुआ आइटम है वो, ये किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि रियल लाइफ गैंगस्टर्स आपके अब इस कैरेक्टर को ना अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं? माइट बी पॉसिबल, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ये तय करना कि सिनेमा से सोसाइटी इंस्पायर होती है कि सोसाइटी से सिनेमा इंस्पायर होता है, वो वाइस वर्सा होने लगा है। तो संभव है कि कोई एक फ्यूचर में दिखे कि जो कालीन भैया की तरह बिहेव करे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें है कि वो कालीन भैया वहाँ के बन चुके हैं उस एरिया के, नाम भी कालीन रख लिया है अपना। अच्छी बात है, तो ये तो हो रहा। ये हर जगह देख रहा हूँ मैं। आप कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाइए, आप किसी लीगल ऑफिस में चले जाइए, आप सिक्योरिटी पे, जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे, वो बाकायदा सब लोगों ने अपने अपने नाम रखे हैं, कास्टिंग करके मिर्ज़ापुर की कास्टिंग। मेरी चेकिंग चल रही थी, वो कह रहा है सर ये वो गुड्डू हैं हमारे, या कालीन भैया आपकी चेकिंग कर रहे हैं। ओके, ये मैंने भी सुना है, बैंक में मुझे बैंक के एक सीनियर मेंबर्स मिले थे, तो सर ये हैं हमारे कालीन भैया, बोला है आपके यहाँ क्यों है, बोला हमारी भी कास्टिंग है। तो इंटरनल कास्टिंग लोगों ने कर रखी है। कॉलेज में भी हो रहा है, स्टूडेंट्स नाम दे रहे हैं हमारे ग्रुप के, कालीन भैया ये है, गुड्डू भैया ये है। तो किरदार पॉपुलर हो जाते हैं तो ये सब होता है। अली, आपसे जानना चाहूंगी कि आप बहुत गुस्से में दिखे हो ट्रेलर में हमें, तो ये कितना मुश्किल होता है कि अब जो अली हमारे सामने बैठा है तो काफी काम दिखता है, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत एग्रेसिव है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप कैसे देखते हैं और कैसे करते हैं उसे ऑन सेट? वो लाइनों में है और ये एक सुई रखते हैं, ऐसे भोंकते रहते हैं मुझे पीछे से। नहीं नहीं, ये तो हमारा काम है और उसी का खेल है पूरा, उसी में मजा है। उसकी रेंज है पूरी, मतलब वो सिर्फ गुस्सा ही नहीं रहता है, वो रोता भी है, वो हंसता भी है। मुझे तो मिर्ज़ापुर की कॉमेडी बहुत मज़ेदार लगती है। एक्चुअली ये सब ऊपर का जो है वो तो कोई भी एंग्री यंग मैन तो हम देख चुके हैं, बट रियल लाइफ में हमारी कॉमेडीज बहुत होती हैं, सबसे ऑड सिचुएशंस में यू नो कभी कभी हंसी भी आ जाती है, तो मैं उसका एक बैलेंस ट्राई करता हूँ रख लूँ। उसी से किरदार बनते हैं, मतलब एक वरना वन डायमेंशनल रहेगा, हर वक्त गुस्सा रहेगा तो मजा नहीं आएगा। राइट राइट राइट। सो गुरमीत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, स्पेशली अब सीजन 3 आ रहा है, तो 1 और 2 के बाद तो और ऐसा है कि 3 में तो बहुत कुछ देखना है, तो वो प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं? रिजल्ट पे फोकस ना करते हुए हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि जैसे हमने सीजन 1 में किया था, हम ये सोच के नहीं गए थे कि कुछ कोई बड़ी चीज बन रही है, कोई बड़ी चीज होगी, तो स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करते हैं कि पहले राइटिंग पे फोकस करें, जो राइटिंग हमें सरप्राइज करे खुद, तो फिर वो आगे एक्टरों तक पहुंचती है। ये हमारे बहुत अच्छे बाउंस बोर्ड्स हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा अपने कैरेक्टर्स को ओन कर चुके हैं, तो बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस हो गया अभी। तो सबसे पहले तो हमारा जजमेंट वहीं हो जाता है, अगर हमें लगता है कि हमारी ये जो बहुत ही सूझी बूझी कास्ट है, अगर उनको स्क्रिप्ट पसंद आ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई थिंक उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद फिर ऑफकोर्स जो शूटिंग प्रोसेस है, मुझे लगता है वो
मज़ेदार सबसे ज़्यादा और सबसे सरल वही होता है आई थिंक, उससे पहले की मेहनत उसके बाद की मेहनत हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। शूटिंग में हम वो करते हैं जब हमने बाकी सब चीज़ें टटोल ली है आई थिंक, वहाँ पे फिर हमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ गया होता है कि हम शायद सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट की उम्मीद ना करते हुए हम लोग बेस्ट फुट फॉरवर्ड पुट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। दैट्स रियली ग्रेट। पंकज जी आपसे जानना चाहूँगी कि कालीन भैया और आप में क्या सिमिलैरिटीज़ है? मैं पहले बोल दिया, दोनों मृदुभाषी हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं। अब मैं भी एक सीरियस ह्यूमर जीवन में करता हूँ। कालीन भैया मैं भी, जो बहुत अच्छी बात अली ने कही अभी कि मिर्ज़ापुर में क्राइम वाले पार्ट पे तो सब बात करते हैं, एक्शन क्राइम, ये ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है। वो सिर्फ क्राइम होता तो ये बात नहीं होती। किरदार जो ह्यूमर क्रिएट करते हैं, जो सिचुएशनल ह्यूमर होता है, जो नॉनसेंस पना है, वो गुड्डू इसलिए भी गुड्डू है कि गुड्डू मूर्ख है। अगर गुड्डू इंटेलिजेंट होता बबलू हो जाता, फिर वो मज़ा नहीं होता। तो जो इंटेलिजेंट थे वो चले गए, मूर्ख है वो बचे हुए हैं। तो ये सब आप देखेंगे तो मिर्ज़ापुर का वो साइड तो मेरे में वही सिमिलरिटी है कि मेरा भी सीरियस ह्यूमर लाइफ में है, कि मैं सटायर थोड़ा लाइफ में कर देता हूँ। जिसको समझ आए उसके लिए सटायर है, जो ना समझे वो कॉमेडी समझ ले। सो रेडिट पे हम सुन रहे हैं कि देख रहे हैं कि मुन्ना भैया वापस आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे स्पॉयलर्स की बात हो रही है। अच्छा, ऐसे तो बट ये एक है जो हमने भी सुना है, तो कुछ स्पॉयलर्स देना चाहेंगे पहले ही शॉर्ट में? मुन्ना क्या, मुन्ना तो देखो, मुन्ना तो बहुत हैं समाज में और दुनिया में। मुन्ना आते हैं, मुन्ना जाते हैं, मुन्ना अमर हैं। बिल्कुल। तो गुड्डू बबलू मुन्ना यार कितने पॉपुलर हो चुके हैं किरदार, नहीं आम बोलचाल के हिस्सा बन गए लोगों के। हमारे ऑफिस के कालीन भैया, हमारे ऑफिस के चूज भी किए तो ऐसे सारे पेट नेम्स ना। हाँ जी हाँ, जो जो घरेलू हैं, घरेलू हैं। हाँ, जैसे अखंडानंद त्रिपाठी किसी को नहीं मालूम। कालीन भैया, गुड्डू का ओरिजिनल नाम क्या है? गोविंद पंडित। अच्छा, सबके पेट नेम ही पॉपुलर है। विनय पंडित बबलू और फूलचंद त्रिपाठी। फूलचंद त्रिपाठी रियल नेम पता ही नहीं है, रियल नेम किसी को नहीं मालूम। और डिम्पी का क्या? दिव्या पंडित। करेक्ट, दिव्या पंडित। झुकाली का क्या है ये मुझे पता। वाओ, ये कुछ नहीं था, ये मेरी एक छोटी सी वो थी, सीन चल रहा था, तो मैंने रसिका को सीन के बीच में बोला, मैंने कहा ये वर्ड कुछ भी बना दिया मैंने, झुकाली का तुम बोलना। अब सीन चल रहा है, उसके बीच में मुझ तक ये वर्ड पहुंच जाना चाहिए, कैमरा के पीछे जो बैठा है उसको नहीं समझ में आना चाहिए, सीन में छप जाए वो। अच्छा, झुका लिखा। तो ये उसने किया था मेरे साथ, अमितोष नागपाल ने। वो तब से फिर वो चला। तो क्या ये सीन में है, ये वर्ड है? आप नहीं देख पाएंगे, उसने मुझे दे दी मैसेज। और मैंने एक दफा, मैंने उसके जो चाय पी रही थी तो चाय के कप के नीचे एक चिट पे लिख दिया था, तो जो चाय उठा तो यहाँ पे। इसका कोई मतलब नहीं है वर्ड का? कुछ नहीं है, आप जो बना लीजिए, आप जो अर्थ, हम अपने आप को बहला रहे थे और कुछ नहीं। लिटिल सेल्फ ह्यूमर। आप से जानना चाहोगे क्या चैलेंजेस फेस किए व्हाइल शूटिंग मिर्ज़ापुर सीजन 3 के बारे में? आई थिंक फिजिकली तो शायद इस बार का सिर्फ चैलेंज हमारा थोड़ा मानसून के साथ रहा, कि नॉर्मली हम हमेशा बहुत गर्मी में शूट करते आए हैं मिर्ज़ापुर। इस बार थोड़ा मानसून के आसपास था, तो थोड़ी सहूलियत भी थी कि गर्मी कम थी, पर बारिश को थोड़ा चेस कर रहे थे, कई बार बारिश से रुका भी माहौल। इस बार एक्चुअली शूटिंग करना बनारस के पास, यूपी, लखनऊ, मिर्ज़ापुर में बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। बहुत सारी पब्लिक अब शो को जानती है, तो उन्होंने बहुत सहयोग भी दिया शूट करने का। तो एक्चुअली शायद सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा तीनों सीजन में इस बार शूट करने का वहाँ पे। जब हम पहली बार शूट करने गए थे तो बहुत मुश्किल लगती थी इतने सारे लोगों के बीच में शूट करना, लोग थोड़े ओप्रेसिव होते थे, बट धीरे धीरे हमने देखा है कि एक्चुअली सब लोग इतना फ्रेंडली हो गए शो की तरफ भी, जनरली भी, और शायद वो सबको आदत भी पड़ गई, बिकॉज अभी कंटेंट देखना सब यूज टू हो गए, उनको पता है शूटिंग चल रही है, शूटिंग में इंटरफेयर नहीं करना है। तो बहुत यू नो वहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प की हमारी, एक्चुअली बेटर एक्सपीरियंस रहा। हर सीजन में इम्प्रूव होता गया है एक्सपीरियंस तो, और यू नो पंकज जी से हमने सीखा है कि जो चीज़ शायद कुछ डिफिकल्टी होती है वो जितनी जल्दी भूल जाए तो बेटर है लाइफ में। याद अच्छी चीज़ें रह जाती हैं, बाकी चीज़ें भूल जाए तो बेटर। मैं चाहूँगी आप अपने स्टाइल में, कालीन भैया आप गुड्डू भैया के स्टाइल में और बताइए 5 जुलाई को आ रहा है मिर्ज़ापुर, लेकिन
कैरेक्टर के स्टाइल में चाहिए मुझे वो। आ रहा है 5 जुलाई आ रहा है, हम सब आ रहे हैं, देखिए प्लीज देखिए, जरूर देखिए, बहुत मेहनत से बनाया है। 5 जुलाई को नहा धोवा के बैठ जाइए पूरी तन्मयता से। 5 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हम लीप ईयर वाले बच्चों की तरह 4 साल में एक बार आ रहे हैं, प्लीज ये वाला जन्मदिन मिस मत करना हमारा। थैंक यू सो मच। अमेज़न प्राइम पे हां, यस, 5 जुलाई सारी इंफॉर्मेशन प्राइम वीडियो सब पहुंच चुकी है। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू गाइस। थैंक यू।